ब्लैक साड़ी पहनी है मैंने आज। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे किचन में। तो अभी हम बना रहे हैं नाश्ता। नाश्ता बना लिया है, आलू के पराठे बनाए हैं ये, और अभी बन रही है चाय। पराठे के साथ ना चाय ज़रूरी होती है, क्योंकि पराठे में तेल होता है, घी होता है, तो इसलिए कोई गर्म चीज़ साथ में ज़रूर होनी चाहिए। इसलिए पराठे के साथ हम चाय ज़रूर पीते हैं। तो चाय हमारी बन गई है, और तो चलिए अब हम कर लेते हैं नाश्ता। बने रहे हमारे वीडियो में। हम जब भी पराठे बनाते हैं तो चाय ज़रूर पीते हैं। पराठे के साथ ना चाय ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि पराठे घी में बनता है, और ऊपर से गर्म चीज़ लेनी बहुत ज़रूरी होती है, तो पानी तो पीना नहीं होता है, तो इसलिए हम बना रहे हैं चाय। तो आप लोग भी जब भी पराठे खाएँ तो चाय ज़रूर बनाएँ। और बाकी सारा मैंने काम कर लिया है, बर्तन वगैरह भी हमने साफ़ कर लिया है नाश्ता करने से पहले, जो भी थोड़े बहुत हैं। तो चलिए अब हम कर लेते हैं नाश्ता। आलू के पराठे, चाय, और साथ में ये हरी मिर्च का अचार। खाना बन के है तैयार, और मैंने लगा भी दिया है। उड़द की दाल और चावल बनाए हैं, तो चलिए अभी हम खा लेते हैं खाना। अभी तो देर से आती है, 4 बज जाता है उसके आने तक, और कभी खाती है कभी नहीं खाती है। रोज़ लेट हो जाते हैं खाना खाने में, आज भी 2 बज गए हैं। अभी हम ठंडा पानी पीना शुरू कर दिया है, ज़्यादा ठंडा पानी नहीं, सारे पानी में ही ठंडा पानी मिला लेते हैं। और अभी हमें जाना है महिला संगीत में, तो हम फटाफट खा लेते हैं खाना, और फिर उसके बाद किचन विचन करके थोड़ा रेस्ट भी करेंगे। तो चलिए अब खा लेते हैं खाना, बन रहे हैं हमारे वीडियो में। अभी हम हो चुके हैं तैयार ये महिला संगीत में जाने के लिए। तो दोस्तों, जैसे हम खाना बनाने से पहले सोचते हैं ना कि क्या बनाएं क्या बनाएं, सुबह क्या बनाएं, दिन में क्या बनाएं, रात में क्या बनाएं, उसी तरह जब कोई भी फंक्शन होता है ना, तो हम यही सोचते रहते हैं कि कौन सी साड़ी पहने क्या पहने। तो इसी में हमारा आधा टाइम चला जाता है, तो फिर जो साड़ी मिलती है वही पहन लेते हैं। तो मुझे अभी जो साड़ी मिली वही मैंने पहन ली। तो चलिए अब हम चलते हैं महिला संगीत में। तो हमेशा की तरह रोज़ लेट ही हो जाता, तो आज भी हमें लेट ही हो रहा है, 4:30 बज चुका है। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं महिला संगीत में। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं महिला संगीत में, ये मधु भाभी, रंजना और कुसुम, और मैं मीना बिस्ट, मीना डंगाल बिस्ट। तो सभी लोग चले गए, हाँ, और सब जा चुके हैं, और हम हमेशा की तरह लेट है ना, लेट ही तो जाते हैं हमेशा। गर्मी हो रही है, जल्दी जाके भी क्या करें। वैसे इतनी गर्मी नहीं हो रही ना, इस बार थोड़ा अभी तो अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया हो रहा है। इस महीने जितना की भी शादी हुई उनके लिए बहुत बढ़िया हो गया, क्योंकि पसीना नहीं पोंछना पड़ रहा है। जब हम मैरिज हॉल में पहुंचे तो एकदम से सुनसान हो रहा था, कोई भी नहीं था वहाँ पे गैलरी में। तो हम सभी लोगों ने सोचा क्यों ना हम फ़ोटो वगैरह खींच लें, तो हम फ़ोटो वगैरह खींचने में लग गए यहाँ पे। ये कोई भी दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे, तो उसी का फ़ायदा उठाते हुए हम सब ने फ़ोटो वगैरह खिंचवा ली और वीडियो बना लिए। तो हम लेडीज़ का तो यही है, जहाँ पे मौका मिलता है वहीं पे हम फ़ोटो खींच लेते हैं और वीडियो बना लेते हैं। ये देखिए, यही तो एक ऐसा मौका होता है ना, जहाँ पे हम सब अपने दुख सुख सब घर में भूल के आते हैं, यहाँ पे हंसी मजाक, वीडियो बनाओ, फ़ोटो खींचो, सब चीज़ यहाँ पे हम कर लेते हैं। महिला संगीत शुरू हो चुका है, तो चलिए आपको ले चलते हैं अंदर। ये हैं दूल्हे और दूल्हे के भाई, और ये है जानकी जोशी, ब्लॉगर, डांस कर रही हैं उनके साथ, और दुल्हन तो आपने देख ही ली होंगी। आगे
ये है दही वड़ा। दही वाले अच्छे होते हैं, यही खाने चाहिए है ना, क्योंकि यहाँ पे पेड़ नहीं है इसलिए। दही वाले का हलवा, एक दिन मैंने मोमो का बनाया, मुझे बाद में बड़ी भूख लगी और हलवा भी खाना हो जब। तो अभी मैं आ चुकी हूँ घर, और घर आकर के सबसे पहला काम मेरा होगा पौधों में पानी डालना। तो चलिए चलते हैं छत में और डालते हैं पानी, और अभी शाम को फिर जाना है हमको रिसेप्शन में। तो फटाफट कर लेते हैं घर का काम, फिर मिलते हैं रिसेप्शन में। रिसेप्शन में जाने के लिए हैं हम तैयार, और ब्लैक साड़ी मैंने आज पहनी है काफ़ी टाइम बाद, और इत्तेफाक से आज लवी ने भी ब्लैक कपड़े पहने हैं, वो तैयार हो रही है। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं रिसेप्शन में, तो सभी हमारे कर रहे हैं वेट, चलिए चलते हैं। चलो कुसुम भी है तैयार, और आज तो पप्पी भी तैयार है, काफ़ी टाइम बाद किसी शादी में ये भी शामिल होगा। आओ, तो अभी सब लोग हो चुके हैं तैयार, राधा कुसुम आया और पप्पी, चलो फिर चलो। और ये हमारी बच्चा पार्टी, ये बच्चा पार्टी बहुत खुश है सब सुनने जाने के लिए, इनको भी मौका मिलता ना घूमने का, तो इतनी बड़ी स्माइल है सबके चेहरे में, बच्चों के चेहरे में। चलो भैया, तो अभी हम चल पड़े हैं पैदल ही पैदल, क्योंकि हमारे घर के पास ही है गणपति हॉल, तो वहाँ पे हम जा रहे हैं, 5 मिनट भी नहीं लगते वहाँ पे जाने में। तो हमारे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे की यही खासियत है कि सब चीज़ पास में। अभी हम पहुँच चुके हैं रिसेप्शन में, तो बच्चों के लिए ये खास होता है क्योंकि बच्चों का इंतज़ार रहता है ऐसे फंक्शन का, क्योंकि उन पर क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर रहता है पढ़ाई का, तो पढ़ाई करो, कभी होमवर्क, कभी ट्यूशन वर्क, कुछ ना कुछ उनके ऊपर प्रेशर रहता है, तो ऐसे मौके की तलाश में बच्चे रहते हैं, तो उनको हम लेके भी आते हैं ताकि उनको भी थोड़ा उनका भी थोड़ा इन्जॉय हो जाए। तो ये है रंजना के बच्चे, और हमारे भाई के बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो सभी लोग यहाँ पर कर रहे हैं काफ़ी इन्जॉय, विशेषकर बच्चे काफ़ी यहाँ पर इन्जॉय करते हैं। ये अंदर कभी इधर दौड़ते हैं, कभी उधर दौड़ते हैं, और यहाँ पर आकर के तो बच्चे खाने को पूछते भी नहीं है, आधा खाना लेते हैं या मम्मी को थमा जाते हैं, तो बोलते हैं मम्मी आप इसे देखो हम जरा खेलने जा रहे हैं, तो ये लोग इधर घूमते रहते हैं। तो विशेषकर हम बच्चों के लिए रिसेप्शन में आते हैं, तो बच्चों को एक मौका मिलता है यहाँ पे घूमने का। और सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि बच्चे यहाँ पे निश्चिंत रहते हैं, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, पढ़ाई करो, ये करो, सो करो, तो बच्चों के लिए सबसे बढ़िया यहाँ पे रहता है। और वो यहाँ पे देखिए ये बच्चे मस्त हैं खाने में, बातचीत करने में, छोटे छोटे बच्चे, और हमें भी थोड़ा सा मौका मिल जाता है एंजॉय करने का, घर से बाहर निकलने का। और ऐसे शादी ब्याह के मौके पर हमें वो दोस्त लोग भी मिल जाते हैं जो हमें बरसों से नहीं मिले होते हैं, उन लोगों से भी यहाँ पे हमारी मुलाकात हो जाती है। तो हम जब भी शादी में जाते हैं किसी की, या ऐसे रिसेप्शन पार्टी में जाते हैं, तो वहाँ पे हमें इंतज़ार रहता है कोई हमारे दोस्त यहाँ पे मिल जाएंगे जो हमें कब से नहीं मिले हैं, और मिल भी जाते हैं और मिले भी यहाँ पे, तो इसलिए जाना भी चाहिए। अगर अपने अड़ोस पड़ोस में ऐसी शादी होती है, रिसेप्शन होते हैं, तो वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए। तो हमारे सभी दोस्त लोग जो हमें काफ़ी टाइम से हमें नहीं मिले होते हैं, वो वहाँ पे मिल जाते हैं हमें, तो सबसे बड़ी बात ये होती है यहाँ पे। तो चलिए अब हम कर रहे हैं यहाँ पे इंजॉय, और बने रहें आप हमारे वीडियो में। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं घर को, चलो हाय बाय बोलो फिर। ये दो प्रिंस रंजना के देवांग और दिव्यांश हैं, देवांश, मैं कंफ्यूज आती हूँ उनके नाम में। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि अब हमें नींद लग रही है, घर जाएंगे तो फिर ब्लॉग बनाने का मन नहीं करेगा, तो इसलिए हम यहीं पे अपना जो ये वीडियो है इसको समाप्त करते हैं। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गुड नाइट, बाय बाय, कर दो, गुड नाइट कर दो सबको, गुड नाइट।